The question is, we have to integrate the function which is square root of cot x plus square root of 10x. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो आपके पास है इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ टेन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेन एक्स को आप स्प्लिट करके लिख सकते हैं, डेट इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉट एक्स को आप स्प्लिट करके लिख सकते हैं कॉस एक्स ओवर साइन एक्स. और इनकेस अगर मैं ये रिप्लेसमेंट इस क्वेश्चन में यूज करूं तो फाइनली पहला टर्म आपके पास बनेगा, डेट इज कॉस एक्स ओवर साइन एक्स. ये आपका फर्स्ट पार्ट है. और इसके बाद सेकेंड पार्ट को अगर आप चेक करते हैं तो ये आपका बनेगा साइन एक्स ओवर कॉस ऑफ एक्स और ब्रैकेट ऑफ इंटू डी एक्स. सो द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं. और जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में आपको मिलेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि आपको मिलने जा रहा है डेट इज रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स और डी एक्स के. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बेसिक सा कैलकुलेशन है, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा. चलिए अब आगे मूव कर जाते हैं. तो जैसे आप इसमें आगे मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, डेट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ही मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है इंटू डी एक्स. और डिनोमिनेटर में मैं एक और चेंजेस कर रहा हूँ, डेट इज हम लोग यहाँ पे टू का मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मैं इसको बना रहा हूँ. लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा रूट टू आपका डिनोमिनेटर में जनरेट हो गया है. तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको एक न्यूमिनेटर में भी रूट टू को मैनेज करना पड़ेगा. और इनकेस अगर आप ये मैनेजमेंट कर लेते हैं तो ये बनेगा रूट टू इंटू डेट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स. और डिनोमिनेटर में मैं स्टिल अगेन कुछ चेंजेस कर रहा हूं. और यहां पे आप देख सकते हैं कि आप इसे लिख सकते हैं वन माइनस वन प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स के. इसके बाद अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं रूट टू, न्यूमिटर में स्टिल नो चेंजेस, डेट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स. हाँ, लेकिन अगर आप डिनोमिटर को चेक करें तो मैं यहाँ पे फिर से कुछ चेंजेस कर रहा हूँ. पहले वाले वन को मैं एस एच रख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है. और सेकेंड और थर्ड टर्म में से माइनस को कॉमन ले रहा हूँ. तो जैसे मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा वन माइनस के टू डेट इज साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स और ब्रैकेट क्लोज्ड. ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि हम लोग इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस. ये जो फर्स्ट वाला वन आपको नजर आ रहा है इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये आपका वन के इक्वल होता है. और जो लास्ट टर्म है वो आपके पास है टू टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स और ब्रैकेट क्लोज्ड. यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है डेट इज एक्चुअली द फॉर्मुला ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज टू द पावर टू. मीन्स अगले स्टेप में ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको नजर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस डेट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड टोटल रेज टू द पावर टू. और अब आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन काफी इजी बन चुका है इंटीग्रेट करने के रेस्पेक्ट में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को किसी एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दूं तो इसका डेरिवेटिव आपको मिलता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. सो सर सेम आई एम गोइंग टू डू हेयर, हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को रिप्लेस करने जा रहे हैं एक नए वेरिएबल, लेट मैंने इसको टी से रिप्लेस कर दिया है. इनकेस अगर आपने फंक्शन के वेरिएबल को चेंज किया है तो फिर आपको डी एक्स को भी डी टी में कन्वर्ट करना होगा. और इसके लिए हम लोग फंक्शन को बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू डी टी. मीन्स न्यूमरेटर में जो एंटायर एक्सप्रेशन है इसे सिंपली आप डी टी से रिप्लेस कर सकते हैं. और आफ्टर रिप्लेसमेंट जो क्वेश्चन आपको नजर आएगा डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ रूट टू
दैट इज सिंपली रूट टू, और न्यूमरेटर को आपने रिप्लेस कर दिया dt से, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं दैट इज और वन माइनस टी रेज टू द पावर टू. और ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स टी, मीन्स हम लोग इसे लिख सकते हैं रूट टू साइन इनवर्स टी प्लस कॉन्स्टेंट, और लास्ट में आपको ये जो टी है इसको एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो फाइनली टी आपके पास है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. सो आवर आंसर इज रूट टू इंटू साइन इनवर्स दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. दिस इज द आंसर फॉर द गिविंग प्रॉब्लम.